और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय रहता है वो है एयर पॉल्यूशन और डस्ट पॉल्यूशन। नगर निगम ने इस बार 372 सर्विलियंस टीम्स बनाई हैं, जिसमें 1295 ऑफिसर्स अधिकारी डे और नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। साथ ही जिन इलाकों में, जिन एरियाज में चलान की जरूरत है, एमसीडी वो भी कर रही है, और अगर जो मेजर्स को नहीं अपनाएगा और भी चलान किए जा सकते हैं, जो स्तर है वो बढ़ जाता है। और कुछ दिनों से जो हमारा AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें भी इजाफा हुआ है। और हमें ये भी मालूम है कि कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने, साथ ही हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने इंटर डिपार्टमेंटल अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करी, उसमें दिल्ली का प्रदूषण कैसे नियंत्रित किया जाए उस पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार हो या नगर निगम, हर वो कदम उठाती है जिससे दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय रहता है वो है एयर पॉल्यूशन और डस्ट पॉल्यूशन। और सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है, वो है इलीगल CND वेस्ट डंपिंग, दूसरा ओपन बायोमास बर्निंग, और तीसरा सड़कों पर उड़ने वाली धूल मिट्टी। अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम हर साल बहुत से ऐसे मेजर्स करती है जिससे प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। नगर निगम ने इस बार 372 सर्विलियंस टीम्स बनाई हैं, जिसमें 1295 ऑफिसर्स अधिकारी डे और नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। दूसरा, हमें मालूम है कि MCD की जो टोटल रोड लेंथ है दिल्ली में, वो 15,500 किलोमीटर के लगभग है, जिसमें 57,000 सफाई कर्मचारी मैनुअली स्वीपिंग करते हैं। साथ ही MCD द्वारा 52 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग डिप्लॉय कर दी गई हैं, 195 वाटर स्प्रिंकलर्स जेटिंग मशीन्स को डिप्लॉय किया गया है, 30 एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय किया गया है, स्पेशली उन इलाकों में, स्पेशली उन हॉटस्पॉट एरियाज में जो DPCC द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, और उन सभी हॉटस्पॉट एरियाज में जो जोनल DCs हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है। साथ ही 612 ऐसी साइट्स हैं जो DPCC के वेब पोर्टल पर रजिस्टर हैं, उनकी भी रेगुलर जोनल टीम्स मॉनिटर कर रही हैं उन साइट्स को, और 106 ऐसी MCD की डेजिग्नेटेड साइट्स हैं जहां पर CND वेस्ट, यानी कि जो मलबा है जहां पर डंप किया जाता है, और उनमें से 55 साइट्स ऐसी हैं जो बैरिगेटिंग शीट्स के साथ उनको ढक दिया गया है, और वहीं से उन्हीं डेजिग्नेटेड साइट से मलबे को CND प्लांट्स पर साइंटिफिक प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। MCD का एक रूटीन वर्क भी है कि जितनी भी दिल्ली में MCD रोड्स पे खड्डे हैं, पॉट होल्स हैं, उनको रिपेयर MCD द्वारा रूटीन वर्क के अंडर किया गया है। और इस बार पहले के मुताबिक अगर हम बात करें, नगर निगम ने पहले से ज़्यादा जो पॉट होल्स को रिपेयर किया है, सड़कों को रिपेयर किया गया है। और साथ ही हमें ये भी मालूम है कि ग्रैप टू अप्लाई एप्लीकेबल हो गया है, और जितने भी हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि जो हमारा रिवाइज्ड ग्रैप है, उनकी जो गाइडलाइंस है, उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। साथ ही जिन इलाकों में, जिन एरियाज में चलान की ज़रूरत है, MCD वो भी कर रही है, और अगर जो मेजर्स को नहीं अपनाएगा और भी चलान किए जा सकते हैं। ऐसे हमारे 20 एंटी स्मोक गन्स CND प्लांट, SLF और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स पर भी डिप्लॉय किए हैं, 15 हमारे एंटी स्मोक गन्स जो हैं हाई राइज बिल्डिंग जो MCDs की हैं उन पर लगाए गए हैं, और 32 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर भी एंटी स्मोक गन्स को लगाया गया है। अब नगर निगम हो या दिल्ली सरकार, प्रदूषण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, पर मीडिया के माध्यम से पब्लिक को अपील करती हूँ कि प्रदूषण नियंत्रित जो मेजर है, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और साथ ही जिससे दिल्ली में प्रदूषण स्तर कम हो। हम सब आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं, क्योंकि प्रदूषण के कारण सेहत पे जो
इम्पैक्ट पड़ता है वो काफी बुरा है, कईयों को सांस लेने में परेशानी आती है। और अभी दिवाली आने को है तो आपसे ये भी दरख्वास्त है, पटाखे ना जलाएं, ओपन बर्निंग ना हो, ओपन कूड़ा ना जलाएं, जिससे दिल्ली में साफ सुथरी हवा हम दिल्ली वालों को दे पाएं। तो आप और हम मिलकर दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करें।